नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बढ़ते कोरोना मामले पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कोरोना को लेकर शासन हुआ सतर्क। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चार वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में एक और धर्म परिवर्तन का मामला, मामले में दो आरोपी हुए गिरफ्तार। इंदौर में मैराथन का आयोजन, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये बात सही है कि कोविड का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार इसे लेकर पूरी तरह सतर्क है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठकें हुई है, वैक्सीनेशन के साथ गाइडलाइंस का पालन भी अब सख्ती से कराया जाएगा। निश्चित रूप से कोविड की संख्या में वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव केस ज़्यादा आ रहे हैं, पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दवाई के साथ साथ कड़ाई भी करना है, हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, हमें मास्क पहन कर रखना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने को और अपने परिवार को इस भीषण संक्रमण से रोक सकें। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। जहाँ तक कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट का मामला है, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयारी में है। हमारे पास सफिशिएंट बेड हैं, हमारे पास वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था है, ऑक्सीजन पूरी समुचित स्थिति में है। केस बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़े हैं और इसलिए हम सबको संयम रखना है। और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर ज़िले में हमारे जो ग्रुप है जो कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसकी मीटिंग की है और ये सुनिश्चित किया है कि हम सब प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। इंदौर में वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौर की परदेसीपुरा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सात वाहन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिला इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा एवं उप महानिरीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि चूंकि वर्तमान में वाहन चोर बहुत ज़्यादा चोरी कर रहे थे, उसी को मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कनकने साहब और श्री नीत उपाध्याय साहब CSP साहब को निर्देश किया, उनके द्वारा थाना परदेसीपुरा क्षेत्र से वाहन चोरों जो चोरी हुई थी उस पर पकड़ बनाने के लिए एक टीम गठित की गई, जिसके पालन में आज MR4 रोड पर थाना परदेसीपुरा से एक माह पूर्व चोरी गई गाड़ी के साथ दो व्यक्तियों को पकड़ा था, जिसके साथ में अन्य दो और थे। इस प्रकार कुल चार व्यक्ति पकड़े, जिनके पास से थाना परदेसीपुरा का एक वाहन, थाना बाणगंगा के दो वाहन, थाना एरोड्रम का एक वाहन, थाना लसुड़िया का एक वाहन तथा दो उज्जैन जिले के थाना महाकाल से और एक देवास थाना बरोटा। इस प्रकार चार आरोपियों से कुल पांच थानों के सात वाहन जब्त किए गए हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। वर्तमान में जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत थाना परदेसीपुरा में अभी तक कुल 19 गाड़ियां चोरी हुई है, जिसमें से हमारे द्वारा कुल 16 गाड़ियां बरामद कर ली गई है। सर, जिन आरोपियों को गिरफ्तार करा है उनका क्या प्रोफाइल है और कहां से चुराते थे? इसमें जो चार आरोपी है, इसमें से दो आरोपी ही मुख्यतः चोरी करते थे, दो अन्य आरोपी ऐसे हैं जिसमें से एक आरोपी बीच का बन के, मतलब वो बेचवाल था, वो बिकवा देता था गाड़ी को, और चौथा आदमी वो है जिसने भी अभी वर्तमान में गाड़ी बिकवाई थी। इस प्रकार दो लोग चोरी करते थे और दो लोग उसी गाड़ी को देख कर बेचने का काम करते थे। दो घटनाएं ऐसी भी इनमें की है जिसमें चारों द्वारा मिलके भी इनके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया।
इंदौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला गर्मा गया है, जिसमें नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर इंदौर शहर से दूर ले जाया गया और नाबालिगों पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा था। मामले में पुलिस ने कार्यवाही की है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे इस मामले की जाँच जारी है। इसमें दो बच्चियों के साथ में घटना घटित हुई है। एक्चुअल में ये स्कूली फ्रेंड थे और बर्थडे पार्टी किसी इंदौर लोकल कैफे में कहीं बर्थडे पार्टी मनाने का बारे में लड़कों के द्वारा उन बच्ची को बताया गया और उन्हें मूसाखेड़ी चौराहे पर बुलाया गया। मूसाखेड़ी चौराहे से उन्होंने उन्हें दोनों को बच्चियों कार में बिठाया और जबरदस्ती उनको फिर यहाँ से इंदौर से बाहर लेकर जाने लगे। रास्ते में उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई और किसी मतलब जाम गेट थाना मंडलेश्वर जिला खरगोन में कुछ लोगों ने इनकी गाड़ी को रुकवाया और वहाँ पर इन लोगों को पकड़ा और बातचीत पूछताछ की तो फिर इन लोगों को मंडलेश्वर थाने पर ले गए, जहाँ पर बच्चियों ने बताया कि हम लोगों का मतलब बर्थडे मनाने का प्रोग्राम था लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती कार में बैठा करके हम लोगों को यहाँ पर ले आया। हम लोगों के साथ में छेड़छाड़ की और हम लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन करके शादी करने हेतु प्रेशराइज कर रहे थे, तो जिसकी शिकायत पर मंडलेश्वर थाने में धारा 363/66 का 354 और 34 IPC और 7/8 पॉक्सो एक्ट और 3 व 5 धार्मिक सुरक्षा का अधिकार अध्यादेश 2020 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर फिर थाने को थाना आजाद नगर को सूचित किया गया। थाना आजाद नगर की टीम मंडलेश्वर जाकर के उन्हें लेकर के आई। सर क्या नाम है युवकों के और किस तरह से मतलब लड़कों के नाम? इसमें एक का नाम सोहेल है जो LIG रिंग रोड आजाद नगर का रहने वाला है और दूसरा हसन है जो कृष्णबाग कॉलोनी आजाद नगर इंदौर का रहने वाला है। सर कुछ ऐसा मामला सामने आया है कि मतलब यहाँ से ले आकर कुछ किसी तरह से कोई इनको बंधक बनाकर या प्रताड़ित कर इस तरह से कुछ? नहीं, उनको धर्म परिवर्तन को उनके साथ शादी करने के लिए उन लोगों ने प्रेशर बनाया था, यही बात सामने आई है। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जिले वासियों से एक अपील की है, जिसमें राजगढ़ कलेक्टर ने कहा कि COVID-19 टीकाकरण का अगला चरण 1 मार्च से राजगढ़ जिले में प्रारंभ किया जा रहा है, यानी कि शुरू किया जा रहा है। इस चरण में 60 साल से ज़्यादा के सभी नागरिकों को कोविड का टीका लगवाया जाएगा क्योंकि वे ही इसके लिए पात्र होंगे। इसी के साथ जो नागरिक 45 से 60 वर्ष के बीच के हैं उन्हें अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें भी पात्र माना जाएगा। इसी के साथ नीरज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि टीकाकरण शासकीय अस्पताल में निशुल्क किया जाएगा। नमस्कार, COVID-19 टीकाकरण के अंतर्गत अगला चरण 1 मार्च से राजगढ़ जिले में प्रारंभ किया जाएगा। इस चरण के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक कोविड का टीका लगाने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा 45 से 60 की उम्र के नागरिक जिनको भी कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई बीमारी है, वो डॉक्टर के सर्टिफिकेशन के आधार पर वैक्सीनेशन लगाने के लिए पात्र होंगे। ये जो टीकाकरण किया जा रहा है ये शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क तौर पर किया जाएगा। वर्तमान में इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी है, जिसकी की लिंक कलेक्टर राजगढ़ के फेसबुक पेज पर डाली जाएगी। इसके अलावा आप यदि चाहें तो आप ऑन द साइट जाकर के भी तुरंत वहां पे जाकर के जहां पे वैक्सीनेशन चल रहा है वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहीं तुरंत आपका टीकाकरण भी किया जाएगा। इसी के साथ मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यश यदु ने भी टीकाकरण के अगले चरण की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोरोना से बचाव के लिए ये टीका जरूर लगवाएं। मैं डॉक्टर यश यदु, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़, आपको कोविड टीकाकरण के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि दिनांक 1 मार्च से कोविड का टीकाकरण 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए लगाने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और ऐसे 45 से 60 साल के ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई चिन्हित बीमारी हो और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित की गई हो उनको भी टीकाकरण लगाया जाएगा। इस चरण में टीकाकरण जिला चिकित्सालय राजगढ़, सिविल अस्पताल द्यावरा, सिविल अस्पताल सहारनपुर और सिविल अस्पताल नरसिंहगढ़ में लगाया जाएगा। टीका लगवाने के लिए व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र लेकर कोविन 20 ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है।
और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवाना है। इसके ये करते ही वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उनको सूचना मिल जाएगी कि उन्हें किस सब पे और कहाँ पर टीका लगाया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो सीधे इन चिकित्सालयों में आकर अपना पहचान पत्र दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। फिर मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप टीका लगाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। लोगों के बीच सेहत का मैसेज ले जाते हुए देश के सबसे स्वच्छ इंदौर में एक मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हर बार के मुकाबले रजिस्ट्रेशन कम किए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच ऐसे हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम काफी कारगर साबित होंगे। नहीं, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कम किया, तो हर साल 20,000 से ज़्यादा लोग होते हैं। इस बार हमने सोचा था कि 25,000 करेंगे, पर कोविड की मर्यादाएं थी इसलिए 5,000 पे हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि परंपरा बंद हो। ये भी हेल्थ केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए यह परंपरा बंद नहीं हो इसलिए इस वर्ष हमने सिर्फ 5,000 लोगों को बुलाया था और बड़ी सफल रही, प्रशासन का काफ़ी इसमें सहयोग रहा। इंदौर में उर्स के मौके पर खजराना स्थित विश्व प्रसिद्ध नाहर शाह वली सरकार को सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने अपने साथियों के साथ पहुंचकर चादर पेश की। इस मौके पर मंजूर बेग ने कहा कि आज देश विदेश में मशहूर नाहर शाह वली सरकार की दरगाह पर सद्भावना की चादर चढ़ाई गई है। इसी के साथ रंग के खास मौके पर 251 किलो नुक्ति का वितरण भी किया जाएगा। आज सरकार के उर्स चालू है, पिछले दिनों से चल रहा है, हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्वधर्म संघ के माध्यम से हम एकता भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव इस भारत देश में बना रहे इसकी दुआओं के साथ हम सरकार में चादर पेश करने आज सर्वधर्म संघ के माध्यम से सभी समाज के लोग आए हैं। कुछ गरीबों को कपड़े भी वितरण किए हैं और कल रंग है, इदरीस बाबा, अब्दुल बाबा और यहाँ के जो भी कमेटी के लोग हैं, जीतू वर्मा जी की तरफ से 251 किलो की नुक्ति का वितरण भी सुबह रंग में करेंगे। सरकार में हमने यही दुआ की है कि जो भी भारत के अंदर और जो भी देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले हैं वो सद्भावना कभी नहीं बिगड़े, जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बना हुआ हमेशा बना रहे। और पिछले जो मार्च और फरवरी में कोरोना काल जो पूरे देश में आया था और कई घर में बर्बाद किए हैं, वापस उसकी आवक बढ़ी है। सरकार में हमने आज दुआ की है पूरा देश के साथ साथ महल्या की नगरवासी भी की हिफाजत करें और इस बलाव और कोरोना काल से यहाँ के लोगों को बचा। मंजूर बेद अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ, जनता की बुलंद आवाज। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।